दिल्ली में पधारी बागेश्वर धाम सरकार। तैयारी कैसी है, माहौल क्या है, भक्तों के मन में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उत्साह, उमंग कैसे हिलोरे मार रही है, उसकी एक झलक जरा इस कलश यात्रा में देखिए। दिल्ली का रामलीला ग्राउंड सज धज कर तैयार है, कोई भक्ति में मगन होकर नाच रहा है तो कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है। महिलाएं आ रही हैं और भागवत शुरू होने से पहले इस तरह का उत्साह है और लगातार जब ये कथा चलेगी तो माना जा रहा है कि बाहर से भी, यानी दिल्ली NCR से बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी बाबा को सुनने के लिए आएंगे, उनकी भागवत कथा सुनने के लिए आएंगे। और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, अन्य जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि संख्या बहुत अधिक होती है आमतौर पर जब भी बाबा कहीं जाते हैं और भागवत करते हैं, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो बिहार हो। देखा गया कि हजारों श्रद्धालु उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और इस पंडाल में तो व्यवस्था की ही गई है हजारों श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन बाहर का जो मैदान है उस पूरे इलाके में भी जबरदस्त तरीके से तैयारी जारी है। तारीख नोट कीजिए, 6 जुलाई से 8 जुलाई यानी अगले 3 दिन तक दिल्ली में बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। बाबा को लेकर दीवानगी का आलम कैसे सर चढ़कर बोल रहा है ये जरा सुनिए। तैयारी पूरी है आयोजक, आप कहाँ से आई? मैं यहीं से आई हूँ अपार्टमेंट से। तो आप लगातार यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इतना अच्छा मौका मिला है हमें, क्यों नहीं आएंगे। पहले बाबा को सुना है? बहुत सुना है। मैं यूट्यूब में डेली लाइव सुनती हूँ, डेली हम भी हमेशा लाइव सुनते हैं बाबा को, और बहुत बड़े भक्त हैं उनके पास, उनके देखने की चाहत वाली है। हम लोग जो बागेश्वर बाबा यहाँ पधारे हैं दिल्ली में, हमारी धरती धन्य हो गई जो बाबा यहाँ पधार रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से देश दुनिया में मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू इन दिनों लोगों पर छाया हुआ है। दूर दराज से भक्त उनके दरबार में पर्ची लगाते हैं और दावे के मुताबिक अपनी समस्याओं का हल पाते हैं। बागेश्वर बाबा का जलवा कैसे दिनों दिन बढ़ रहा है उसे समझने के लिए बीते 3 महीनों की इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर मुंबई की, जहां बागेश्वर सरकार ने इसी साल मार्च के महीने में दिव्य दरबार लगाया, लोगों की पर्ची निकाली। इसके बाद अप्रैल में परशुराम जयंती के मौके पर दिव्य दरबार लगाया तो भक्तों के आने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। फिर तमाम वाद विवादों के बीच जब मई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चार्टर्ड फ्लाइट से पहली बार पटना पहुंचे तो लगा जैसे पूरा बिहार पटना में खींचा चला आया। कभी मध्य प्रदेश के गढ़ा में सिर्फ एक कमरे में रहने वाले बाबा बागेश्वर अब ठाट बाट से वाई कैटेगरी की सुरक्षा में चार्टर्ड प्लेन में चलते हैं। उनकी अगवानी बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटी करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हाजिरी लगाते हैं। यानी बीते 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है और आपको इसकी एक और झलक दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको बागेश्वर बाबा का स्वाग दिखेगा, काला चश्मा लगाकर पूरे स्टाइलिश अंदाज में। मौका गुरु पूर्णिमा का, जब बागेश्वर धाम में चल रहे महोत्सव में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा तो एक भक्त ने धीरेन्द्र शास्त्री को काला चश्मा पहना दिया। ये सिर्फ 2 दिन पहले यानी मंगलवार की तस्वीरें हैं, जब बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों के साथ बड़े बड़े गायक इकट्ठा हुए और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाबा को सोने चांदी हीरे माणिक से बनाया हुआ मुकुट दिया गया। हनुमान दरबार में माया की खूब बारिश हुई। गुजरात के मशहूर भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी और गीता रबारी के साथ ही बीजेपी के सांसद और गायक एक्टर मनोज तिवारी पहुंचे और बागेश्वर धाम में अपनी हाजिरी लगाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे। तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की तादाद और दरबार की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी की शानदार तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से भी आ रही हैं। IP एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में होने वाले इस आयोजन में आने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक हसनपुर टी पॉइंट से NH 24 तक CBSE भवन के सामने रोड नंबर 26 के कट पर और CBSE भवन के सामने रोड नंबर 57 वाले कट पर कथा के दौरान आवाजाही बंद रहेगी। दिल्ली के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में दिव्य दरबार होगा।
यहाँ 10 से 6 जुलाई तक कथा का आयोजन है। बदल रहा है और इसके साथ ही बारिश से बचने के लिए भी जो विशेष तैयारियां हैं, और इसीलिए पांडाल, तीन तरह के पांडाल बनाए गए हैं। आप जो इधर की तरफ देख रहे हैं, आप देखेंगे यहां पर ये जो आपको जो तंबू नजर आ रहे हैं, दरअसल यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि रोजाना लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की तो व्यवस्था है, लेकिन आयोजककर्ता ये दावा कर रहे हैं कि 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस कथा वाचने के कार्यक्रम में कथा सुनने के लिए आ सकते हैं।